मोसे छल किए जाए। लेकिन अरमान आपने मुझे That's all, Saumya. तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही होती हो, you always right. लेकिन ऐसा नहीं है. तुमसे गलती हुई ना तारा भाभी को समझने में. लेकिन मैंने कोई क्वेश्चंस पूछे तुम्हें, तुम्हारे कहने पर उनको वापस लेकर आया मैं. तो तुम मेरी नियत पे, मेरे इंटेंशंस पे क्यों सवाल उठा रही हो? Listen, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे पता है. तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे. और प्लीज मुझे सिखाने का ट्राई भी मत करना. अरमान, हो सकता है कि आप मुझसे बेटर समझते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ बात सच और झूठ की है. मैंने कभी भी आपसे झूठ नहीं कहा अरमान, लेकिन आपने मुझसे इतनी आसानी से इतना बड़ा झूठ बोल दिया. बहुत बुरा लगता है उस वक्त जब आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वो आपको महसूस करवा देते हैं कि आप सच में अंधे थे. मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा आप पर भरोसा कर भी पाऊंगी या नहीं. Okay, fine, यार मत करो भरोसा. I don't care. और बार बार मैं अपना भरोसा और ये सच्चाई प्रूव नहीं करता रहूंगा. अरे क्या मैं मेरे क्रेडिट्स, मेरा भरोसा, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? मुझे तो लगता है कि इस घर में सब कुछ हमारा है. भले ही मैं काम करता हूं लेकिन घर की लक्ष्मी तो तुम हो ना. और क्या फर्क पड़ता है कि क्रेडिट्स में तुम्हारा नाम गया या उसके बदले मेरा नाम चला गया? कौन सा करोड़ों और लाखों का नुकसान हो गया तुम्हारा? सौम्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारी फैमिली की हेल्प करने के लिए तुम अपने पैसों से हेल्प करना चाहती हो, वो पैसे नहीं जो मैं तुम्हें देता हूं. एंड आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. और मैंने मना नहीं किया है, वो पैसे तुम्हें मिलेंगे बिकॉज वो तुम्हारे हैं. मैंने तुम्हारी हेल्प की ना तुम्हारा सपना पूरा करने में. राइटर बनी ना तुम. अब दुनिया जाने ना जाने, तुम तो जानती हो ना कि तुम राइटर बन गई हो. और इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो तुम? क्यों, कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं. फिर तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं है कभी. मुझे नहीं पता था कि इतना ईगो है तुमने. अरमान, बात मेरी ईगो की नहीं है, बात आपकी झूठ की है. और मेरा ये मानना है कि कौन किससे कितना प्यार करता है इसका सबूत होता है कि वो किस पर कितना भरोसा करता है. और शायद आज कहीं ना कहीं मेरा भरोसा टूट गया. और जिस दिल में कोई भरोसा नहीं, आप प्यार कैसे रहेगा? और झूठ झूठ झूठ, इतना कौन सा बड़ा झूठ बोल दिया मैंने? ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? ये ड्रामा मत करो. ये जो डायलॉग्स बोल रही हो ना तुम मुझे, इन्हें बचा कर रखो, आगे के एपिसोड्स में काम आएगा, हिट होंगे बहुत. सौम्या, तुम्हें लाइफ में जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दे रहा हूं मैं, इसलिए स्टॉप बीइंग अ विक्टिम. आप मुझसे किस टोन में बात कर रहे हैं? उसी टोन में बात कर रहा हूं जिस टोन में तुम्हें समझ में आएगा. थोड़ी देर में पार्टी है, मुझे भी रेडी होना, तुम भी रेडी हो जाओ. सॉरी, लेकिन मेरा कोई भी पार्टी में जाने का मूड नहीं. एक्सक्यूज मी, मूड नहीं है मतलब? अब तुम्हारे मूड के हिसाब से मैं और मेरा बिजनेस चलेगा. इट्स सच अ बिग डे, इतने सारे लोग आने वाले हैं तुम्हें मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए. तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई मर गया. मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ने मुझ झूठ बोला और
अच्छा भी कुछ बड़ी होकर गई है। अरमान को क्या हो गया है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.